हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ अलजेब्रा. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी इज गिवन ए माइनस टू स्क्वायर प्लस बी प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सी माइनस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अगर आप इसे एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. सेम यही फॉर्मूला आप बी प्लस थ्री के साथ अप्लाई करेंगे एंड सी माइनस फोर के साथ. अगर आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपका 3 to 4 मिनट कंज्यूम करेगा. तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ए माइनस टू स्क्वायर प्लस बी प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सी माइनस फोर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होगी? अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर में होगा और किसी ऑपरेटर से सेपरेट होगा. ऑपरेटर आपका प्लस भी हो सकता है और इसकी जगह माइनस भी हो सकता है, और उनका जो सम है या सब्ट्रैक्शन है वो इक्वल टू जीरो होगा. तब हम क्या करेंगे, जहां से ऑपरेटर से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां उसे सेपरेट करेंगे और वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर की उसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे. बी प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सेम हेयर सी माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. देन ए माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. द वैल्यू ऑफ ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. परफेक्ट स्क्वायर जब आप अंडर रूट करते हो राइट साइड में तो अंडर रूट ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. एंड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू टू. सेम हेयर बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस थ्री. वैसे ही सी के साथ सी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. तो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू फोर. तो ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इसे सेपरेट करेंगे ऑपरेटर से. ओके, कंडीशन ये है कि जो आपके पास अलजेब्रिक सम दिया हो उसका सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो अब हमें ए बी एंड सी की वैल्यू पता चल गई. तो अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी. ए की वैल्यू है टू, बी की है माइनस थ्री एंड सी की वैल्यू है फोर. दैट इज 2 + 3 + 4 = 9. इसी कंसेप्ट को और क्लियरिटी से देखते हैं एक और एग्जांपल से. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a plus b plus 2c गिवन दैट 3a plus 1 square plus b minus 2 square plus 2c minus 3 square is equal to 0. तो जैसा मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, ऑपरेटर से हम इसे सेपरेट करेंगे. 3a plus 1 whole square is equal to 0. b माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड 2c माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. 3a प्लस 1 इक्वल टू जीरो. वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू माइनस 1. वैल्यू ऑफ 3, मैंने 3a की वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 3a प्लस b प्लस 2c पूछा है. 3a अगर यहाँ पे a होता तो मैं फर्दर इसे और एक्सपेंड करता, देन a इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 जिसकी हमें अभी नीड नहीं है. ओके, सेम हेयर बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू टू. वैसे ही 2c माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. 2c इज इक्वल टू थ्री. मैंने यहाँ c की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड की, बिकॉज यहाँ हमें क्वेश्चन के अंदर 2c की वैल्यू पूछी है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी प्लस 2c. 3a की वैल्यू है माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू है 2 प्लस 2c की वैल्यू है 3. 3 टू 5, 5 माइनस 1 इज 4, 4 इज द आंसर. ओके, तो फॉर क्वेश्चन 3 एंड 4 टाइप सेकंड क्वेश्चन, प्लीज वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज. ओके, इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर पेज ऑन फेसबुक. वहां पे आपको स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल होगा और आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप ना कोई भी डाउट हमें फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं. थैंक यू.